श्री महागणेशाय नमः। जय शिव शंकर। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ का पूजन करने से भोलेनाथ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। मान्यता है महाशिवरात्रि पर भगवान शिव माँ पार्वती के साथ पृथ्वी का भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। मान्यताओं के अनुसार पूरे साल भर पूजन से भोलेनाथ इतने प्रसन्न नहीं होते जितना महाशिवरात्रि पर करने मात्र से ही हो जाते हैं। अन्य दिनों की तुलना में महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का पूजन करने से 10,000 गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यह दिन भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत खास दिन माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन थोड़े से प्रयास से, थोड़ी सी पूजा से, एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त हो जाती है और भोलेनाथ अपने भक्तों की बड़ी से बड़ी परेशानियों को मिनटों में दूर कर देते हैं। दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च को रखा जाएगा। महाशिवरात्रि पर रात्रि के चारों पहर में भगवान शिव का पूजन किया जाता है, लेकिन अगर रात्रि के चारों पहर में ना कर सके तो प्रदोष काल में भगवान शिव का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। प्रदोष काल भगवान शिव का काल कहा जाता है। इस समय में भगवान शिव का पूजन करने से भगवान शिव अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इस बार प्रदोष काल पूजन का शुभ मुहूर्त 8 मार्च की शाम 6:25 से रात 9:28 तक रहेगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भोलेनाथ भोले भंडारी हैं। वह अपने भक्तों पर बहुत ही जल्द कृपा करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर भोलेनाथ के पूजन में कुछ गलतियां कर दी जाए तो भोलेनाथ उतनी ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में कई ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें भोलेनाथ के पूजन में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें भोलेनाथ के पूजन में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो भोलेनाथ को भूल कर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा भोलेनाथ क्रोध हो जाते हैं और व्रत और पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और इस वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहली चीज है बेलपत्र। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बेलपत्र तो भोलेनाथ को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। बेलपत्र भोलेनाथ को बहुत प्रिय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर प्रकार के बेलपत्र भोलेनाथ को प्रिय नहीं है? अगर आप गलत या फिर गलत तरीके से बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित करेंगे तो भोलेनाथ प्रसन्न होने की बजाय आपसे क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए बेलपत्र को भोलेनाथ को चढ़ाते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहली बात तो यह कि बेलपत्र के पत्ते कहीं से भी कटे फटे नहीं होने चाहिए। अगर बेलपत्र का पत्ता कटा फटा है या बेलपत्र पीले रंग का हो गया है तो आप ऐसे बेलपत्र को भूल कर भी भोलेनाथ को अर्पित ना करें। दूसरी बात, बेलपत्र हमेशा वही भोलेनाथ को अर्पित किया जाता है जो एक डंडे में 3 पत्ते लगे हुए होते हैं। कई बार देखा जाता है कि बेलपत्र 3 जुड़े हुए ना मिले तो लोग एक बेलपत्र का पत्ता ही भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं या एक्स्ट्रा टूट जाए तो उसको भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं। ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। एक बेलपत्र का पत्ता आप भोलेनाथ को भूल कर भी अर्पित ना करें क्योंकि वह अपूर्ण होता है और अगर पूजन में आप अपूर्ण चीज चढ़ाएंगे भोलेनाथ को तो आपके पूजन का फल भी अपूर्ण रहेगा, यानी कि आपका पूजन पूर्ण नहीं माना जाएगा और आपको पूजन का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सदैव एक डंडे में जो 3 बेलपत्र जुड़े हुए हों वही बेलपत्र आप भोलेनाथ को अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाते समय आप उसकी उचित दिशा का ध्यान रखें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय पत्र की चिकनी सतह को आप शिवलिंग पर चढ़ाएं और जो डंडियों की तरफ है वह ऊपर की तरफ होनी चाहिए।
बेलपत्र चढ़ाने से पहले आप बेलपत्र को जल से शुद्ध कर लें, उसके बाद ही भोलेनाथ को अर्पित करें। अधिकतर सावन के सोमवार या फिर शिवरात्रि के दिन ही भोलेनाथ को बेलपत्र अर्पित किया जाता है, लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सावन के सोमवार और किसी भी सोमवार या फिर शिवरात्रि के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से दोष लगता है, इसलिए पूजा से एक दिन पहले ही आप बेलपत्र तोड़कर रख लें। बेलपत्र कभी भी बासी नहीं माना जाता, इसलिए आप उसे धोकर भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा अनामिका उंगली, अंगूठा और मध्यमा उंगली की मदद से ही आप बेलपत्र भोलेनाथ को अर्पित करें। शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पण करने के साथ ही आप जल की धारा जरूर चढ़ाएं, यानी कि पहले शिव जी का जलाभिषेक करने के पश्चात जब आप बेलपत्र चढ़ा दें तब आप थोड़ा सा जल बेलपत्र चढ़ाने के बाद शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ाएं। दोस्तों, दूसरी चीज है दूध। भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध अर्पित करने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, लेकिन दूध चढ़ाते समय ही हम भोलेनाथ को प्रसन्न करने की बजाय क्रोधित कर देते हैं, क्योंकि भोलेनाथ को सदैव कच्चा दूध चढ़ाना चाहिए और अधिकतर हम सभी के घरों में दूध आते ही उबाल दिया जाता है और वही उबला हुआ दूध भोलेनाथ को अर्पित कर दिया जाता है। ऐसी गलती भूलकर भी ना करें, भोलेनाथ को सदैव कच्चा दूध अर्पित करें और हो सके तो गाय का दूध ही आप भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करें, क्योंकि गाय के दूध को ही अमृत माना जाता है। दोस्तों, दूध चढ़ाते समय एक और गलती जो हम सभी करते हैं वह है दूध को तांबे के पात्र में रखकर चढ़ाना। दोस्तों, अधिकतर हम सभी पूजन के दौरान तांबे का पात्र यूज करना सबसे ज्यादा अच्छा मानते हैं, यह हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें तांबे के पात्र में कभी भी दूध लेकर नहीं चढ़ाना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार तांबे के पात्र में दूध जहर हो जाता है और तांबे के पात्र से चढ़ाया हुआ दूध भोलेनाथ को प्रसन्न करने की बजाय नाराज कर देता है। इसलिए जब भी आप भोलेनाथ पर दूध चढ़ाएं तो आप स्टील या फिर पीतल या फिर चांदी के पात्र का इस्तेमाल करें। अगर प्योर दूध आप पूरा ना चढ़ा सकें तो आप जल में इतना दूध मिलाएं कि जल सफेद रंग का हो जाए, लेकिन ध्यान रखें दूध कच्चा ही होना चाहिए। दोस्तों, हमारे यहाँ सभी पूजन में हल्दी, कुमकुम और चावल का इस्तेमाल किया जाता है। हम सभी के पूजा का जो बॉक्स या टोकरी होती है उसमें चावल, कुमकुम और हल्दी अवश्य ही रखी होती है, लेकिन ये आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भोलेनाथ की शिवलिंग पर कभी भी चावल, कुमकुम या फिर हल्दी ना चढ़ाएं। भोलेनाथ की जो शिवलिंग होती है वह भोलेनाथ का वैराग्य रूप है और हल्दी, कुमकुम सौभाग्य के प्रतीक होते हैं, इसलिए भोलेनाथ की शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, कुमकुम नहीं चढ़ानी चाहिए। और चावल तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन चावल चढ़ाते समय भी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल हमेशा साबुत जो चावल का दाना हो, जिसे अक्षत कहा जाता है, उसी को पवित्र माना जाता है। ऐसे चावल ही आप भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। अगर आप भोलेनाथ की प्रतिमा का पूजन कर रहे हैं, तस्वीर है, मूर्ति है, भगवान शिव जी का परिवार है, तो आप भोलेनाथ को हल्दी कुमकुम से तिलक कर सकते हैं। हल्दी कुमकुम केवल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि वह भोलेनाथ का वैराग्य रूप है। तस्वीर और प्रतिमा पर आप हल्दी कुमकुम चढ़ा सकते हैं, क्योंकि भोलेनाथ का शिवलिंग वैराग्य रूप है, इसीलिए शिवलिंग पर कभी भी लाल रंग के पुष्प वगैरह भी नहीं चढ़ाने चाहिए। कोई भी ऐसी चीज जो सौभाग्य के प्रतीक होती है वह भोलेनाथ की शिवलिंग पर फूल कर भी अर्पित ना करें। दोस्तों, भगवान विष्णु जी को शंख अति प्रिय है और एकादशी के दिन खास तौर पर शंख से भगवान विष्णु जी का अभिषेक किया जाता है, लेकिन ध्यान रखें कभी भी भोलेनाथ के पूजन में शंख का इस्तेमाल ना करें। शंख से कभी भी भोलेनाथ को जल अर्पित ना करें। शास्त्रों के अनुसार भोलेनाथ के पूजन में शंख वर्जित होता है। इसके साथ ही भोलेनाथ को कभी भी नारियल का पानी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। भोलेनाथ को आप नारियल अर्पित कर सकते हैं, सूखा नारियल या फिर हरा नारियल भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन नारियल का जो पानी होता है वह कभी भी भोलेनाथ की शिवलिंग पर ना चढ़ाएं।
शंकर की तरह ही तुलसी जी भी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान विष्णु का पूजन अधूरा होता है। यदि शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव जी का पूजन करते समय आप भूल कर भी तुलसी का पत्ता ना रखें, भगवान शिव जी को कभी भी तुलसी का पत्ता ना चढ़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा और भोलेनाथ आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए भोलेनाथ का पूजन करते समय कभी भी तुलसी का पत्ता ना रखें। अगर आप भोलेनाथ के साथ भगवान विष्णु जी को भी भोग लगा रहे हैं तो दोनों को अलग अलग पात्र में भोग रखकर आप भोग अर्पित करें। भगवान विष्णु जी का पात्र जो है उसमें आप तुलसी का पत्ता अवश्य रखें, लेकिन जो शिव जी का पात्र है उसमें आप तुलसी का पत्ता भूल कर भी ना रखें, वरना शिव जी आपसे क्रोधित हो जाएंगे। दोस्तों अगली चीज है केतकी का पुष्प। भोलेनाथ के पूजन में कभी भी केतकी का पुष्प इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ ने केतकी के पुष्प को श्राप दिया है और कहा है कि जो कोई भी मुझे केतकी का पुष्प अर्पित करेगा मैं उसके पूजन को कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। इसलिए सदैव ध्यान रखें, भोलेनाथ के पूजन में केतकी के पुष्प का इस्तेमाल भी ना करें। इसके साथ ही कन्याएं इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वह भोलेनाथ की शिवलिंग का स्पर्श ना करें। आप भोलेनाथ की प्रतिमा या तस्वीर का स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन कभी भी शिवलिंग का स्पर्श ना करें, क्योंकि वह भोलेनाथ का बैरागी रूप है। और जो कन्या भोलेनाथ की शिवलिंग का स्पर्श करती हैं, माँ पार्वती उनसे नाराज हो जाती हैं। दोस्तों भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें और भोलेनाथ के पूजन में यह गलती भूल कर भी ना करें, जिससे भोलेनाथ की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और भी यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।